बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एडवर्ब में आज हमारा लेसन नंबर 5 है, कंडीशनल सेंटेंसेस प्रेजेंट टू प्रेजेंट। कंडीशनल सेंटेंसेस यानी कि ये नाम से ही जाहिर है, शर्तिया जुमले, और हम जो इसे यूज़ करते हैं इफ़ के साथ यानी अगर। और ये जो है कुछ टेंस में इस्तेमाल होते हैं, और इस तरह के ये हम सबसे पहले यहाँ प्रेजेंट टू प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो कोई फार्मूला नहीं होता है, इसी तरह से जो इसके सेंटेंसेस बढ़ते हैं जिस तरह हम प्रेजेंट के आमतौर पर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो है एग्जांपल पढ़ लेते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट टू प्रेजेंट में है, लेकिन इसकी जो पहचान है वो जो इसका जो साउंड है वो फ्यूचर में जाएगा। जैसे गा गी गे, जिस तरह हम के फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसका साउंड जो गा गी में होता है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट टू प्रेजेंट बना रहे हैं तो हम इसे फ्यूचर में यूज़ करेंगे इफ़ के साथ, यानी इसमें जो है इफ़ जो है सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है, इफ़ ही रन्स फार ही कैन विन द रेस, यानी कि अगर वो तेज़ भागेगा तो रेस जीत सकता है। देखें, अगर वो तेज़ भागेगा, जो हमारे पास जो पहला सेंटेंसेस आ रहा उसे हम जो फ्यूचर में उसके जो उसका साउंड निकाल रहे हैं। और हमारे पास इसी तरह हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ़ यू कम इन टाइम यू कैन कम्प्लीट वर्क, अगर आप वक्त पर आओगे तो अपना काम मुकम्मल कर सकते हो। तो बस दिमाग में इतना रखें कि ये हम जो प्रेजेंट टू प्रेजेंट जो हम ये यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो साउंड जो है फ्यूचर में आता है, लेकिन इफ़ के साथ, अगर यानी इफ़ अगर। सिंपल लेसन है, इसी तरह क्या 30 या 40 जो सेंटेंसेस बनाएँ और रीडिंग करें। और अगर इस हवाले से अगर आपको कोई भी कमेंट करनी हो तो आप मुझे यहाँ मेरे इसी पोस्ट पर जो है कमेंट कर सकते हैं। और ये मेरा फेसबुक का चैनल है, फेसबुक का पेज है, ज़रूर आप यहाँ पर इसे लाइक करें। और ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, हानी नाज के नाम से है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये वेबसाइट है haninazblogspot.com, और इस वेबसाइट के बारे में और ये लेसन जो है अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।